बच्चों अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म देखेंगे और गुणधर्मों पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म। इसके अंतर्गत हम पहला गुणधर्म इसको देखते हैं, त्रिकोणमिति फलन एवं उसके प्रतिलोम का संयोजन गुणधर्म। तो इस गुणधर्म के अंतर्गत हम एक फलन और उसके प्रतिलोम का संयोजन, यदि एक फलन f एक कैकी तथा आच्छादक हो तो निश्चित रूप से उसका प्रतिलोम अर्थात f इनवर्स भी एकैकी आच्छादक होगा। अर्थात यदि हम फलन f x से लेकर y तक परिभाषित होता है तब f इनवर्स सच दैट y टेंड्स टू x यानी y से लेकर x तक परिभाषित होता है। अब यदि हम इनका संयोजन देखें f व f इनवर्स का संयोजन, आपने दो फलनों का संयोजन इसी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको लिखा जाता है f इनवर्स ओ एफ ऑफ x अर्थात f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। बच्चों f व f इनवर्स का संयोजन जिसको लिखा जाता है f इनवर्स ओ एफ ऑफ x और उसका मीनिंग है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x और इज इक्वल टू होता है x। फलनों के संयोजन में पढ़े हैं और क्या देता है बच्चों, ये जो है फलन f के प्रांत में तत्समक देता है, f के प्रांत में तत्समक देता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम f इनवर्स व f का संयोजन देखें तो ये लिखा जाता है f o f इनवर्स ऑफ x और इसका अर्थ है f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। यदि हम थोड़ा सा इसको समझे बच्चों, यदि हम यहाँ पर इसका इसका प्रांत क्या है y है ना, तो f इनवर्स ऑफ y प्रांत को ध्यान रखें, f इनवर्स का प्रांत क्या है y है, तो ये होगा f ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू y यानी f इनवर्स के प्रांत में तत्समक देगा ये। तो अब इस बात को याद रखने बच्चों, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये दोनों आपने देखा पहला f व f इनवर्स का संयोजन देखा और दूसरा आपने f इनवर्स व f का संयोजन देखा। f व f इनवर्स के संयोजन में आपको क्या देखने को मिला, f के प्रांत में तत्समक
मिलता है। और एफ इनवर्स व एफ के संयोजन में आपको क्या देखने को मिला कि एफ इनवर्स के प्रांत में तत्समक प्राप्त होता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी फलन और उसके प्रतिलोम का संयोजन। तो इसे हम इस प्रकार त्रिकोणमिति फलन और उसके प्रतिलोम के संयोजन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है देखिए, हम पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि साइन ऑफ, इसके आंसर देखिए बच्चों, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसके आधार पे क्या मिलेगा बच्चों, उसके प्रांत में तत्समक। तो इसके प्रांत में तत्समक यानी क्या देगा, ये एक्स देगा। अब यहां पर इसका प्रांत क्या है, एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, ठीक है बच्चों। साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए एक्स जो है इसका प्रांत है, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। और ठीक इसी प्रकार से हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर ध्यान रखना है बच्चों, साइन ऑफ एक्स के लिए एक्स प्रांत है, तो साइन फलन का प्रांत क्या होता है, इनक्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, इस फलनों के संयोजन गुणधर्म से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, और ये रिजल्ट है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत है। और साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, जबकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर साइन फलन का प्रांत एक्स है, और साइन फलन का प्रांत क्या होता है बच्चों, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इनक्लोज इंटरवल, तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो इसी प्रकार हम अन्य निष्कर्ष लिख सकते हैं, इसी प्रकार अन्य निष्कर्ष लिखा जा सकता है। जैसे कास के लिए लिख सकते हैं, कास ऑफ कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहां पर कास इनवर्स एक्स का प्रांत क्या है, यदि या फॉर ऑल ऐसे ही बोल सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, और इसी प्रकार कास इनवर्स ऑफ कास एक्स इज इक्वल टू एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, ठीक है बच्चों। आइए हम इसी प्रकार से अन्य रिजल्ट को लिख सकेंगे, और इसके प्रांत को ध्यान रखना है बच्चों, इसमें एक्स जो है वो किसका प्रांत है ध्यान रखना है, कास इनवर्स एक्स का प्रांत है कि कास एक्स का प्रांत है। जैसे यहाँ पर कास इनवर्स एक्स में एक्स कास इनवर्स एक्स का प्रांत है, और कास ऑफ एक्स में एक्स जो है कास एक्स का प्रांत है, इसको ध्यान पर रखना है, ठीक है बच्चों। आइए हम अन्य रिजल्ट को फटाफट लिख लेते हैं। अगला गुणधर्म हम देखते हैं, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो एक्स। लेकिन यहां पर ध्यान रखने बच्चों, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है।
फिर हम ऐसे ही और लेते हैं, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इन ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन, ठीक है बच्चों, तथा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो एक्स। लेकिन यहाँ पर सभी, अब ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स में एक्स जो है कोसेक फलन का प्रांत होगा, तो यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इनक्लोज इंटरवल माइनस जीरो, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इनक्लोज इंटरवल जीरो को छोड़कर। ठीक इसी प्रकार से हम सेक का लेते हैं, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस, आर मतलब यहां पर वास्तविक संख्याओं को समुच्चय, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन, तथा सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल, अब यहां पर सेक एक्स के लिए एक्स जो है इसका प्रांत होगा, और सेक फलन का प्रांत क्या होता है बच्चों, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई माइनस जीरो टू पाई इनक्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू। तो ये जो है सेक इनवर्स का रेंज होगा, सेक इनवर्स का रेंज होगा, ठीक है। और सेक एक्स के लिए यहां पर क्या है, एक्स जो है प्रांत है, और ठीक ऐसे ही लास्ट देखे बच्चों, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तथा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू पाई। ये सभी रिजल्ट कोई फलन और उसके प्रतिलोम फलन के संयोजन से प्राप्त है। इस परिभाषा से हम इसको इस प्रकार से रिजल्ट को लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। आइए हम इसको इन गुणधर्मों को सिद्ध करेंगे, जैसे कि मैं इनमें से एक दो गुणधर्मों को सिद्ध करूंगा, और ठीक उसी प्रकार से आप अन्य गुणधर्मों को सिद्ध कर सकते हैं। आइए,